साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या लग रहा है, संसद सत्र की शुरुआत है, पहली बार, कैसा रहेगा? देखिए शिखा, अगर सरकार की तैयारियों की बात की जाए तो संसद सत्र को लेकर जो तैयारियां हैं वो सरकार की तरफ से पूरी कर ली हैं। तमाम जो दल हैं उनके साथ में सरकार की मीटिंग हो चुकी है, नीति आयोग की मीटिंग हो चुकी है, एनडीए के जो दल हैं उनके साथ मीटिंग हो चुकी है, और जो तीन तलाक और उसके अलावा जो विधेयक उनको पास कराने को लेकर तमाम जो विरोधी दल हैं उनसे भी सहमति देने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। हालांकि विरोध इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीन तलाक मुद्दे को लेकर अगर पिछली बार की बात की जाए तो सरकार ने जब इस विधेयक को पास किया था तो खुद एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी ने इसका विरोध किया था। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस का रुख किस तरीके से रहता है। पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो हालात भी लोकसभा में उठ सकते हैं, उसको लेकर भी, जिस तरीके से डॉक्टर लगातार हड़ताल पे हैं उसको लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार ने जो मीटिंगें की थी उन मीटिंगों में इन तमाम राजनीतिक दलों को साधने की कोशिश की थी, और जो विधेयक हैं उन विधेयकों को पास कराने की बात की गई थी लोकसभा और राज्यसभा में। अब अगर आज की बात की जाए शिखा, तो जो सांसद हैं उन सांसदों को आज और कल शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक मीडिया को संबोधन होगा जो अभी तक जानकारी निकल कर आई है। उसके बाद दो दिन के बाद, आज और कल के बाद में भी संसद की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। 5 जून की अगर बात की जाए तो 5 जून को 2019-20 का जो बिल 2019 और 20 को लेकर जो बजट है वो बजट पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण उस बजट को पेश करेंगी। फिलहाल आज जो संसद की कार्रवाई है वो जरूर शुरू हो जाएगी शिखा। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से देखा जा रहा है जो खुद के घटक दल हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे की अगर बात कर ले, हाल ही में राम मंदिर के मुद्दे पर अयोध्या गए थे, हालांकि वो उस चीज पर उन्होंने सपोर्ट करने से भी पूरी तरीके से नकारा नहीं, लेकिन फिर भी उस मुद्दे को वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या तस्वीर निकल कर आ सकती है, क्योंकि शिवसेना से भी केंद्र में गए हैं? शिखा, 2014 में जब लोकसभा चुनाव जीतकर बीजेपी की सरकार बनी थी, उस वक्त राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी सरकार ने बनने से पहले बीजेपी के तमाम नेताओं ने उठाया था, लेकिन उसके बाद से जो ये मुद्दा है कहीं ना कहीं दबता दिखा, जिसको लेकर पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो तमाम हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, दिल्ली में भी किया, अयोध्या में भी किया, तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया गया। मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में है और उसको आपसी सहमति से, मीडिएशन से निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है और एक कमेटी भी बनाई गई है। वो कमेटी ने कुछ समय मांगा था, वो कमेटी भी अपना काम कर रही है, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो तमाम संत समाजों की या जो भी लोग आस्था से जुड़े हैं राम मंदिर बनाने को लेकर, उन सब की उम्मीदें ये हैं कि सरकार दोबारा बन के आई है तो सरकार अपनी तरफ से कोई स्टैंड ले और स्टैंड लेकर जो राम मंदिर है उस राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। हालांकि बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि राम मंदिर को लेकर जो संसद है संसद में किसी तरीके का बिल पास किया जाएगा या किसी तरीके का मंदिर को लेकर कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें काफ़ी हैं और संसद के सत्र में राम मंदिर का मुद्दा भी अहम काफ़ी माना जा रहा है, वो भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है, और जिस तरीके से लगातार पिछले काफ़ी दिनों से राम मंदिर को लेकर मांग कर रही है तो सभी जो आस्था से जुड़े लोग हैं उनकी अपेक्षा है कि इस बार सरकार स्टैंड ले और राम मंदिर का निर्माण कराए। बिल्कुल अमित, अमित एक और चीज़ इस बार देखी जा रही है, सदन में 78 महिला सांसद चुनकर गई हैं। बिल्कुल, इस बार 78 सांसद महिला भी गई हैं चुनकर, तो महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो महिला आरक्षण को लेकर भी एक मुद्दा है, उसको लेकर भी बिल पास कराने की बात चल रही है। तो ऐसे में उन महिलाओं की क्या भूमिका होगी, महिलाओं को लेकर महिला आरक्षण को लेकर जो सरकार है उसकी नीति क्या है, वो आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी। लेकिन महिलाओं के हितों में कुछ कदम उठाए जाएंगे, हो सकता है जो पब्लिक है उस सोच से पब्लिक ने उनको वोट दिया हो, महिलाओं से भी पब्लिक की अपेक्षा काफ़ी बढ़ जाती है और सरकार से अपेक्षा इस बार पब्लिक की ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 2019 के चुनाव में बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की, 303 सीटें अकेली बीजेपी जीती है। तो ऐसे में जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, किस तरीके का रोडमैप बनाया गया है और लोकसभा में किन किन विधेयकों पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके का विरोध देखने को मिलेगा, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन जो उम्मीदें हैं देश की जनता की वो काफी हैं बीजेपी सरकार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।